नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेरिका ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत वाले एक समारोह के दौरान भारत को 200 से ज्यादा सांस्कृतिक कलाकृतियां लौटा दी। इन कलाकृतियों की कीमत लगभग 10 करोड़ डॉलर है। पीएम मोदी ने ब्लेयर हाउस में आयोजित एक समारोह के दौरान कहा, कुछ लोगों के लिए इन कलाकृतियों की कीमत मुद्रा के रूप में हो सकती है, लेकिन हमारे लिए यह इससे कहीं ज्यादा है। यह हमारी संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। बांग्लादेश में एक हिंदू पुजारी को मौत के घाट उतार दिया गया। घटना बांग्लादेश के झनाइदाह जिले की है, जहां कुछ सशस्त्र हमलावरों ने नलदंगा मंदिर के पुजारी अनंत गोपाल गंगुल के ऊपर नुकीले हथियारों से वार कर दिया। अनंत गोपाल मंदिर जा रहे थे, उसी वक्त कुछ हमलावरों ने नुकीले हथियार से उनका गला काट दिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें अनंत का शव मिल गया है, जिसे ऑटोप्सी के लिए भेजा गया है। बांग्लादेश में मंगलवार की सुबह मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात हमलावरों ने 65 वर्षीय एक हिंदू पुजारी की हत्या कर दी। जिस समय पुजारी की हत्या की गई, उस समय वह मंदिर जा रहा था। मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की और धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं पर मुस्लिम चरमपंथियों के नृशंस हमलों की यह ताजा घटना है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि उनका मुल्क भारत के साथ शांति वार्ता बहाल करने के लिए बेचैन नहीं है। सोमवार को मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि अजीज ने अपने बयान में हालांकि यह जरूर जोड़ा कि यदि एशिया में शांति देखना है तो सबसे पहले समन्वय स्थापित करना होगा। सुपर डेलीगेट्स के आवश्यक समर्थन हासिल करने के बाद अब ये तय हो गया है कि ट्रंप के सामने हिलेरी क्लिंटन डेमोक्रेट की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। हिलेरी ने दावेदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक 2383 डेलीगेट्स का समर्थन हासिल कर लिया है। प्यूर्टो रिको में जबरदस्त जीत के बाद हिलेरी ने कहा कि अमेरिका एक नए कल की तरफ आगे बढ़ रहा है। विदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। 5-10 नहीं, सिर्फ 100% बेटर को कहते हैं बेस्ट। नया डेटॉल गोल्ड, इसका एडवांस्ड फॉर्मूला आम एंटीबैक्टीरियल साबुन के मुकाबले में दे 100% बेटर प्रोटेक्शन, यानी बेस्ट प्रोटेक्शन। मैं मानूं, सिर्फ डेटॉल का धुला। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश।